हमेशा बड़ी बड़ी बातें करने वाला और सच्चाई छिपाते हुए भारत के पीठ पर हमला करने वाले चीन की एक बार फिर से पोल खुल गई है और इस बार ये पोल भारत ने खोली है। भले ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पीएम मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त कहते हो, पर असलियत तो सामने आ ही जाती है। दरअसल हम बात 9 दिसंबर की कर रहे हैं, जब भारत और चीन सैनिकों के बीच झड़प हुई। ये झड़प इतनी भयंकर थी कि इसमें दोनों ही देशों के सैनिकों को चोटें आई और आमने सामने के क्षेत्र में तैनात भारतीय सैनिकों ने चीन सैनिकों को करारा जवाब दिया। वहीं इस झड़प में चीन के कई सैनिक घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 300 चीनी सैनिकों ने तुआंग में घुसपैठ की थी। इसको भारत के सैनिकों ने मजा चखाते हुए चारों खाने चित कर दिया। फिर क्या था, चीन को यह बात हजम नहीं हुई। चीन लोगों को गुमराह करने की कोशिश में जुट गया। वही मुद्दा सांसद में भी काफी गर्माता नजर आया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत दूसरी विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करते हुए मुद्दा उठाया। जो नोटिस कल भी दिए थे और आज भी दिए है कि चाइनीज एग्रेशन के बारे में और जो अतिक्रमण हुआ है इसके बारे में हम डिटेल चर्चा इस सदन में चाहते हैं, और इसीलिए हम पहले से हमारी कोशिश रही है कि हमको पूरी जानकारी मिले और देश के लोगों को भी जानकारी हो। इस पर डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने शून्यकाल की अनुमति दी ताकि सांसद अपने मुद्दों को उठा सके। सभापति की ओर से भारत चीन संघर्ष पर चर्चा करने की विपक्षी की मांग को अनुमति नहीं देने पर 17 विपक्षी दलों ने संसद से वॉकआउट किया। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय। पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। भारतीय सेना के जवानों ने 9 दिसंबर को अरुणाचल के तुआंग सेक्टर के यांगस्ते क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखांक का उल्लंघन करने से चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया। सिंह ने कहा कि मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भी भारतीय सैनिक नहीं मारा गया और न ही गंभीर रूप से घायल हुआ है। मैं सदन में यह भी विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सेना देश के क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा कर सकती है। हमारी सेना किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए तैयार है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि सदन इसका समर्थन करेगा। वही इस मामले में अमेरिका का कहना है कि वे भारत के साथ है, चीन उकसाने की कार्रवाई करता है, अमेरिका अपने मित्र देशों के साथ हमेशा रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका दोनों देशों के बीच के तनाव की स्थिति का बारीकी से निगरानी कर रहा है। साथ ही कहा कि वे दोनों पक्षों को विवादित सीमाओं पर चर्चा करने के लिए मौजूदा द्विपक्षीय माध्यमों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।